नमस्कार, मैं आयुषी। इस वक्त के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षा प्रदर्शनी में कहा कि शांति के प्रति देश की सरकार की प्रतिबद्धता उतनी ही है जितनी कि अपने लोगों तथा सीमाओं की रक्षा के लिए, और इसके लिए सशस्त्र सेनाओं को हथियारों से लैस करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं तमिलनाडु के तिरुवेंदांती में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया में कई विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने समाज में तनाव के माहौल पर बुधवार को चिंता जताई और कहा कि यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि राजनीति संपत्ति अर्जित करने का जरिया है, लेकिन आदर्श राजनीति करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले ही राजनीति में सफल होते हैं। वहीं नीतीश ने आगे कहा कि आज देश में जैसा भी माहौल है, तनाव का माहौल है, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, वे बकवास कर रहे हैं, कोई यह नहीं देख रहा है कि कितना काम हो रहा है। SC ST एक्ट पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश वापस लेने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून का उल्लंघन है, इसलिए इस प्रावधान को वापस लेने की आवश्यकता है। देश हित का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि प्रावधान में बदलाव के कारण देश को नुकसान हुआ है और भविष्य में भी नुकसान हो सकता है। संसद के बजट सत्र को सही से ना चलने देने की वजह से पीएम मोदी आज उपवास पर हैं। उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी उपवास पर हैं। पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी की इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शिरडी पर ट्वीट से बवाल मच गया है। उन्होंने बुधवार को शिरडी के साई बाबा के चमत्कारों के बहाने भाजपा पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मित्रों, शिरडी के चमत्कारों की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पीयूष घोटाला रिटर्न्स भी लिखा है। उनके इस ट्वीट पर महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी में श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश हवारे ने जवाबी हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राहुल जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच शिरडी को खींचना बहुत दर्दनाक है, इसे देश विदेश के साई भक्तों को बहुत ठेस पहुंचती है। तो वहीं सभी साई भक्तों की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं। इस अपमान के लिए आपको साई भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। कठुआ रेप केस मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ट्विटर पर भिड़ गए। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपनी ही सरकार के दो बीजेपी मंत्रियों लाल सिंह और चंद्र प्रकाश सिंह के हिंदू एकता मंच की ओर से निकाली गई रैलियों में शामिल होने पर नाराजगी जताई है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि मुफ्ती नाराजगी क्यों जता रही है, वे दोनों मंत्री उनके ही सरकार से है, तो नाराजगी जताने के बजाय उन्हें हटा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डरलैंड के साथ।